तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक पता ही लग चुका होगा टाइटल थंबनेल देख कर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 स्मार्टफोन्स जो कि भाई बेस्ट हैं गेमिंग के लिए मेरी नज़रियों में। और वैसे अगर आप मेरी मानोगे तो भाई वो आपको भी बेस्ट लगेंगे, एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपका बजट है 20,000 तक तो इस वीडियो को जरूर देखना। आपको मैं एकदम टॉप के स्मार्टफोन्स बताने वाला जो कि आपके बजट में है और आप उन्हें अफोर्ड कर सकोगे। और अगर आप न्यू फ़ोन लेना चाहते हो 20,000 की रेंज में तो आप उन्हें पक्का सेलेक्ट करोगे। भाई अगर आपने मेरी मानी तो आप भाई एकदम 60 FPS वाली गेमिंग कराओगे विद हाई ग्राफिक्स पर। तो चलिए भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले यही काम करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने का, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी इस वीडियो पर कितना रिस्पॉन्स आया है, कितने लोगों को पसंद आई या कितने को नहीं पसंद आई, सो कि हम अपने जो कि कॉन्टेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई हमारा जो सबसे पहला फ़ोन है वो है नार्जो 50 प्रो। भाई इसके अंदर आपको मिल रहा है मीडिया टेक 920 प्रोसेसर जो कि बहुत ही दमदार होने वाला है। और ये भाई ये प्रोसेसर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी पबजी और BGMI में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स मिलेंगे। और अगर आप HDR पे चलाना चाहते हो तो भाई आपको अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट्स मिलेंगे, यानी आपको 45 FPS HDR में मिलेंगे। तो लेकिन अगर आप स्मूथ पे चलाओगे तो आपको फुल 60 FPS मिलेंगे जो कि भाई बड़ी स्मूथ मक्खन जैसी गेमिंग करवा देगा। सो भाई ये हमारा इसके अंदर हमें और भी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें 6.4 इंच की सुपर एमोल्ड 90Hz 360 साइड टच वाले डिस्प्ले मिलती है। और भाई इसमें हमें 5000 MAh बैटरी मिलती है जो कि आपको 2.5 घंटे तक तो आराम से मिनिमम गेम खिलाई देगी। सो भाई अगर बैटरी इतनी बड़ी तो उसको चार्जिंग करने का भी इशू आएगा ही। सो इसके लिए हमें 33W का चार्जर मिल रहा है जो कि भाई इसे बड़ी ही जल्दी चार्ज कर देगा। उसके बाद हमें मिलता है इसके अंदर 48MP का बैक कैमरा जो कि भाई बड़ी OP फोटोज खींचता है। उसके बाद हमें मिलता है 16MP का फ्रंट कैमरा जो कि भाई आपको बड़ी अच्छी सेल्फीज़ लेने में मदद करेगा। सो भाई ये फ़ोन भी आपको अंडर 20,000 मिल जाएगा। अमेज़ोन पे इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे ऑफर्स के साथ क्लेम करोगे तो भाई आपको ये ऑब्वियसली बात है 20,000 के अंडर मिल जाएगा, जिस मुताबिक इसके भाई इस फ़ोन की लुक्स और इसकी स्पेसिफिकेशन दोनों ही दमदार है। सो मेक श्योर इस फ़ोन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 20,000 के अंडर है। सो भाई ये है हमारा फोर्थ नंबर का फ़ोन। लेकिन अब हम आपको बताएंगे अपना थर्ड नंबर का फ़ोन। भाई थर्ड नंबर का फ़ोन होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G जो कि भाई ऑफलाइन मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगा। भाई सैमसंग के लवर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लोग सैमसंग को लाइक करते हैं लेकिन भाई लोग कहते हैं सैमसंग के फ़ोन गेमिंग्स के लिए नहीं बने क्योंकि भाई वो अपना प्रोसेसर यूज़ करते हैं सैमसंग वाले अपना। लेकिन भाई इन्होंने इस फ़ोन के अंदर डाला है स्नैपड्रैगन 778G जो कि भाई बहुत ही दमदार प्रोसेसर है। भाई बहुत ही ज़्यादा दमदार प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन। भाई आप लोगों को पता ही है गेमिंग कराने में कितना यानी स्मूथ चलाता है भाई गेमिंग स्नैपड्रैगन के। अगर आपके फ़ोन में प्रोसेसर है तो भाई आप 2-2.5 साल तक तो भाई फ़ोन को चेंज मत करो ही ना, भाई इतने अच्छा आपका फ़ोन चला देता है स्नैपड्रैगन 778G। उसके अंदर भाई आपको 6.7 इंच की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है जो कि भाई 128Hz की डिस्प्ले है। और भाई इसके अंदर आपको 5000 बैटरी मिल रही है MHz, और जैसी बैटरी है उसके मुताबिक आपको 25W का फास्ट चार्जर मिल रहा है। भाई सैमसंग के फ़ोन देख सकते हो आप गेमिंग में आने लगे हैं। ये भाई सबसे बेस्ट फ़ोन है 20,000 के अंडर सैमसंग का अगर आप लेना चाहते हो। कहीं भाई कई लोग ऑनलाइन मार्केट पे नहीं जाना विश्वास नहीं करते, सब वो इस फ़ोन को ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं, बड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और भाई इस फ़ोन के अंदर सिर्फ गेमिंग की स्पेसिफिकेशन नहीं है, भाई इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 64MP का बैक कैमरा। और भाई सैमसंग कैमरों के मामले में कितना मशहूर है आप लोग जानते हो। इसके अंदर आपको मिलता है 32MP का फ्रंट कैमरा। और ग्राफिक्स की बात करें तो ये पबजी में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और BGMI में भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी 60 FPS आपको दिला देगी ईजिली। और इसके अंदर आपको HDR प्लस अल्ट्रा यानी अगर आप इसको HDR फुल ग्राफिक सेटिंग्स पर खेलना चाहते हो तो ये आपको 45 FPS दे देगा विदाउट एनी लैग। आप लोगों को पता है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर FPS बहुत ही कम फ्लक्चुएट करते हैं, इतना नहीं करते नहीं एज कम्पेयर टू मीडिया टेक, बहुत ही कम फ्लक्चुएट करते हैं। डेट्स वाइज मेरा यही रीज़न था कि इसको मैंने थर्ड पे लिया क्योंकि भाई और भाई उसको मैंने फोर्थ पे इसलिए लिया मीडिया टेक वाले को क्योंकि भाई उसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी 920 मीडिया टेक का 920 था, यानी वो कोई सस्ता 920 नहीं था, मतलब सस्ता मीडिया टेक का प्रोसेसर नहीं था, वो 920 था जो कि भाई इसके मुकाबले स्नैपड्रैगन के मुकाबले और स्नैपड्रैगन के मुकाबले टक्कर अच्छी दे देता है। सो भाई ये था हमारा थर्ड फ़ोन। और उसके बाद हम करने वाले हैं अपने भाई टॉप सेकंड फ़ोन की बात। टॉप सेकंड पे मैंने लिया है भाई रियल मी का 9 SE
जो कि भाई आपको सेम स्नैपड्रैगन 778G के साथ मिल रहा है भाई। इसके अंदर आपको मिल रहा है 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले जो कि भाई 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे चलती है। इसके अंदर आपको मिल रहा है 5000 मेगा हर्ट्ज़ की बैटरी, 30 वोट का फास्ट चार्जर, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि भाई आपको बड़ी अच्छी फोटोज़ क्लिक करा देगा। और भाई अगर इसके स्नैपड्रैगन 778G मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपको 60 FPS दिला देगा स्मूथ पे और HDR पे आपको 45 FPS बड़े ईजी तरीके से दिला देगा। सो भाई ये था हमारा लिस्ट का थर्ड फ़ोन। अब बात करने वाले हैं हम अपने लिस्ट के फर्स्ट फ़ोन की। भाई ये फर्स्ट फ़ोन भाई मैंने मेरा भाई वन ऑफ द फेवरेट फ़ोन है। अगर भाई आपका बजट अंडर 20,000 हो सो आप मेक श्योर आप इस फ़ोन को तो ज़रूर लेना। अगर आपका अगर आपकी पर्सनल इच्छा अगर आपको ये ब्रांड नहीं अच्छा लगता तो आप अदर्स जो मैंने तीन दिए भाई वो भी बहुत ही बेस्ट फ़ोन है, आप उनमें भी खरीद सकते हो अगर आपको 20,000 का अंडर फ़ोन लेना है। सो भाई ये है हमारा फर्स्ट नंबर फ़ोन है, ये है IQ का Z5। भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। इसकी लुक्स देखो, इसकी स्पेसिफिकेशन देखो भाई, बड़ा ही दमदार फ़ोन है। इसके अंदर में मिलती है 6.67 की इंच की IPS डिस्प्ले। भाई AMOLED आपको नहीं मिल रही माना, थोड़ा कलर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन भाई जो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस है ना वही जहर है। इसके अंदर आपको भाई जो सी IPS डिस्प्ले मिले भाई ये सबसे ज़्यादा महंगी IPS डिस्प्ले, यानी अगर आप अदर IPS डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो ये बड़ी महंगी है और अच्छी है अदर IPS फोन्स के डिस्प्ले से। तो सो इसके अंदर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का टच रिफ्रेश रेट, आपको 44 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि भाई आपका फ़ोन मिनट में चार्ज कर देगा। इसके अंदर आपको भाई 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है और आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि भाई आपको फोटोज़ भी बड़ी अच्छी क्लिक करवा देगा। भाई ये यानी भाई वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट फ़ोन है। मेरे को भाई ये फ़ोन बड़ा ही अच्छा लगा, मैंने इसको चलाया तो नहीं है भाई, बट मैंने रिव्यूज़ लिए हैं इसके। सो ये फ़ोन बड़ा ही मक्खन जैसे चलता है। अगर आप इस पर गेमिंग करोगे तो आपको भाई मिनिमम चांसेस हैं कि आपके फ्रेम्स फ्लक्चुएट करेंगे। होता क्या है जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे जब ज़्यादा सर्वर एक जगह जहाँ सर्वर इकट्ठा हो जाता है वहाँ हमारे फ़ोन थोड़ा लैग करने जाते हैं, यानी हमारे फ्रेम्स ड्रॉप होने लग जाते हैं। सो भाई इस फ़ोन में मेरे को बड़ी कम इशूज़ मिले हैं ये पहले रिसर्च किया मैंने। सो मेक श्योर इसलिए मैंने ये फ़ोन अपने #1 पे रखा है। आपको अच्छा लगा हो ये वाली वीडियो। सो भाई यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो यही थे आज के टॉप 4 फोन जो कि आप अंडर 20,000 में कंसीडर कर सकते हो अगर आपको गेमिंग करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई बताना मुझे अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, यानी अंडर 15,000 बनाऊँ या अंडर 10,000 गेमिंग फोन बनाऊँ जो आपको 60 FPS की गेमिंग कराएं अंडर 10,000 में, वो वाली बनाऊँ या कौन सी बनाऊँ। सो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।